एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए जो 70 साल की उम्र में जहाज से चलते हुए पहली बार अमेरिका पहुंचे। वो इतने बड़े मनोवैज्ञानिक थे कि रास्ते में उनको 2 बार हार्ट अटैक आया, लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवत गीता से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को पढ़ा था, हार्ट अटैक की परवाह ना करते हुए उन्होंने अपनी यात्रा पूरी करी और जेब में 40 रुपए लेकर के 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने पूरे विश्व में भगवत गीता का प्रचार किया, भगवत गीता को घर घर तक पहुंचाया और उस वैज्ञानिक का नाम था श्रीला प्रभुपाद। लेकिन हमारे नौजवान इसको, अरे श्रीला प्रभुपाद वो तो धोती पहनते थे, वो तो कुर्ता पहनते थे, चुटिया रखते थे, वो थोड़ी वैज्ञानिक हो सकते हैं। अरे ये कितना बड़ा मनोविज्ञान है कि पूरी धरती के उन लोगों को जिनको खाने का सेंस नहीं था, जिनको पीने का सेंस नहीं था, जिनके भोजन, जिनका आचरण, जिनका व्यवहार, जिनकी वाणी, जिनका स्वभाव क्या था उनको पता ही नहीं था, इतना अव्यवस्थित था, उस व्यक्ति ने उनका प्याज छुड़वा दिया, उनका लहसुन छुड़वा दिया, उनको धोती कुर्ता पहना दिया। और जिन लोगों को संबंध की गरिमा का नहीं पता था, आज इसके साथ, उसके साथ, परसों उसके साथ, उन लोगों को उन्होंने साड़ी पहना दी। आज आप जाएंगे वृंदावन में तो उनके जितने भी भक्त हैं, वो लोग होते तो अमेरिका से हैं, होते तो रशिया से हैं, यूक्रेन से हैं, कनाडा से हैं, जापान से हैं, लेकिन वो लोग धोती कुर्ता पहन करके भारत में ही नहीं पूरे विश्व में घूमते हैं। क्या ये मनोविज्ञान नहीं है? मनोविज्ञान है ये, लेकिन शायद हम इससे विमुख हो गए और हमने इन मनोवैज्ञानिकों की प्रतिभा को नहीं पहचाना।